हिमाचल प्रदेश में 7 जनवरी से हो रही बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। इस अवसर पर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि बीते 24 घंटे से प्रदेश में हो रही बारिश की खबर के चलते शिमला में अभी तक लगभग 1 फुट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है तथा खड़ा पत्थर में 2 फुट बर्फबारी दर्ज की गई है। इसी के साथ शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, भरमौर और चंबा क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि आज पूरा दिन बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहेगा। 9 से 10 जनवरी को मौसम साफ रहने के बाद 11 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते 11 जनवरी से 13 जनवरी तक एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश और स्नोफॉल हो रही है। लगभग सभी स्थानों से बारिश और स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों में देखें तो हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में जो ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल और जो निचले इलाके हैं वहां पे सभी जगह बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा जो स्नोफॉल है वो खड़ा पत्थर में 2 फुट के करीब स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया और बाकी जो सोलांग वैली है वहां पे भी जो पिछले 2 दिन में 1.5 फुट के करीब स्नोफॉल हुआ है। शिमला सिटी में भी 1 फुट के करीब स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया और कुफरी में पिछले 24 घंटों में जो लगभग 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। तो ये बारिश और स्नोफॉल जो आज भी रहेगी, आज भी शिमला सिटी में जो मॉर्निंग से स्नोफॉल जो चल रहा है तो उसके बाद कल से मौसम साफ हो जाएगा। आज भी 1-2 स्थानों पे जो हैवी बारिश या स्नोफॉल हो सकते हैं, खास करके जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला और सिरमौर के इलाके, किन्नौर के इलाके हैं, जहां पे जो 1-2 स्थानों पे आज भी बारिश जो हैवी रेनफॉल स्नोफॉल हो सकती है। जो बारिश स्नोफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, उससे जो दिन के तापमान है उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई। कम से कम 8 से लेकर 10 डिग्री तक दिन के तापमान है जिसमें उसमें गिरावट आई है और ये सभी जगह जो तापमान है वो सामान्य से कम चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें जो हम लोगों ने वार्निंग इश्यू की गई थी जिसमें हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट जो है वो 6 और 7 के लिए जारी किया था। अभी जो WDK फैक्ट है वो आज तक चलेगा, कल से मौसम साफ हो जाएगा। लगभग 9-10 तारीख को मौसम जो है वो साफ रहेगा, लेकिन एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी जिसका इफेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में 11 तारीख से हो सकता है। यह तापमान की हाँ, तो अपन भी जो लगातार स्नोफॉल की वजह से बहुत सारे इलाकों में जो तापमान है 0 से नीचे चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि स्नोफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, तो तापमान जो थोड़े हाई साइड में है, जैसे कि किलोंग का तापमान जो कि -15 डिग्री चल रहा था, अभी आज -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इधर शिमला सिटी का, कुफरी का जो तापमान है 0 से नीचे चल रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।